भिलाई स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में स्कूली बच्चों ने टेलीस्कोप की मदद से खगोलीय विज्ञान को समझने की कोशिश की। सहायक शिक्षा अधिकारी अमित घोष ने कहा कि आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम के सभी स्कूलों में खगोलीय घटनाओं के लिए स्टार गेजिंग के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत सेक्टर 6 के स्कूल से की गई है। यहाँ पर बच्चे खगोलीय जो घटनाएं हैं, चाहे वो स्टार से संबंधित हो या ग्रह से संबंधित हो, सारी चीज़ों को बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकली लाइव देख सकेंगे कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं। स्कूल की प्राचार्य दलजीत कोराला ने बताया कि बच्चे इस प्रयोग को लेकर बेहद उत्सुक हैं। वे क्षेत्र के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी जुटाना चाह रहे हैं। और ये लैब खुलने के बाद उन्होंने एक अलग उत्साह दिखाया, क्योंकि जो चीज़ें वो आज तक पुस्तकों में पढ़ते आ रहे थे उसको उन्होंने हकीकत में जब यहाँ देखा तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा और जागृत हुई और उनके मन में उत्सुकता और बढ़ी वो इन एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, तारों के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करने लगे हैं। यहाँ तक कि कई बच्चों ने ये भी प्रश्न किया है कि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में जाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वहीं बच्चों ने कहा कि उन्हें खगोल विज्ञान के बारे में जीवंत जानकारी मिल रही है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान मिल रहा है। एस्ट्रोनॉमी लैब से हमको बहुत अच्छा, मतलब सोलर सिस्टम और मार्स कैसे, और सर हम बताते हैं कि यहाँ 17 मून है बट हमें एक दिखता है, तो आज हमें टेलीस्कोप से मतलब दिखाया गया है कि आज कितने मून है, मून कितने पास आ रहा है, कितने करीब है। We can gain some extra knowledge of space by this. You can see the models, related models to space. Is there etc. types of models. We can know about oxygen, how many elements are present in our body, and stars, moon, Mars. There are many models to get knowledge. आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्थापित दुर्ग जिले का ये पहला लैब है जहां टेलीस्कोप, अंतरिक्ष के मॉडल और प्रतीक चित्रों के माध्यम से बच्चों को खगोल विज्ञान से जुड़ी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाएगा।